हे गाइज, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक VLE हैं, CSE संचालक हैं, तो CSE डिजिटल सेवा के पोर्टल से आप LIC का बिल यानी LIC का प्रीमियम कैसे जमा करेंगे, स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो लूं आप तक पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। डायरेक्टली आपको आ जाना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे, और यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ही आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी बीच आपको देख सकते हैं यहाँ पे है इंश्योरेंस का ऑप्शन, जस्ट आपको इसी पे क्लिक करना होगा इंश्योरेंस। जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ से लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन को चूज करना है, जैसे कि देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जितने सारे कंपनियाँ करती हैं उन सारी के लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो इसमें से कंपनी है, जैसे कि हमने LIC को चुना है, तो यहाँ से देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रिन्यू प्रीमियम, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल जाएगी आपके सामने, जिसमें से देख सकते हैं बिल इंक्वायरी, ये लिखा हुआ है बिल इंक्वायरी, इस पे आपको एक पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर से पॉलिसी नंबर मांगे, LIC का पॉलिसी नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको सही सही से पॉलिसी नंबर डाल देना है। जस्ट आपको नेक्स्ट इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फिक्स्ड बिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर ली है, और आपको सिंपली फिक्स्ड बिल पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक देख सकते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आप आ जाएंगे बिल पे, यहाँ से देख सकते हैं हमने फर्स्ट में बिल इंक्वायरी पे थे और यह भी बिल पे पे आ गए हैं, और कस्टमर की सारी डिटेल यहां से खुल के आ जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं कस्टमर का क्या नाम हुआ और कब से कब ये ड्यूज डेट अभी तक बाकी है, कब इसका टाइम है आप यहां से देख सकते हैं, मोबाइल नंबर है, और टोटल प्रीमियम अमाउंट यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम अमाउंट यहाँ से देख सकते हैं, और जस्ट आपको देख सकते हैं नीचे लास्ट में आपको दिखा हुआ है अमाउंट पेएबल, आपको पे कितना करना है। तो चलिए इस बिल को हमको पे करना है, तो चलिए इस बिल को हम पे करके आपको दिखाते हैं, इस प्रीमियम को जमा करके आपके सामने लाइव दिखाते हैं। नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इंटर पिन, इंटर वायलेट पिन आपको अपना यहाँ पे CSE का जो डिजिटल सेवा पोर्टल का वायलेट पिन होता है यहाँ पे आपको फिल करना है, और जैसे हमने फिल कर लिया और आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये प्रोसेस होके और ये जस्ट पे हो गई है, पेमेंट इज जस्ट सक्सेसफुल, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो बिल थी वो पे हो गई है 100%। और यहाँ से आप अनदर बिल के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ से शेयर रिसिप्ट ऑन ईमेल, आप मेल पे या रिसिप्ट भी भेज सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका चलान जो हुआ, आपका रिसिप्ट जो हुआ, आप यहाँ से प्रिंट कर ले, अन्यथा यहाँ पे आप डाउनलोड कर ले, दोनों आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं PDF में, देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जस्ट हम इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं। सकते हैं आपकी जो प्रीमियम थी और किन के नाम से है, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे ग्रैंड टोटल इतने रुपए की अमाउंट पे हुई है, वो सारी डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो आप इसी प्रकार से आप जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं आप उसको डिजिटल सेवा पोर्टल से आप पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।